इसमें भी अब मैं उस सीयर तर्जुमानुल कुरान इकबाल का एक शेर आपको सुना रहा हूं। एक तो उन्होंने जो उर्दू में कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ठंडी हवा हुजूर को आई, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बात है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसके पहले मिसरे में तो हजरत मेहदी का जिक्र है, वो मैं बाद में उसका जिक्र करूंगा जब उनका वक्त आएगा। खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, खिजर वक्त, वक्त का खिजर, मेरे नजदीक वक्त का मुजद्दिद हजरत मेहदी, वो खलवते हिजाज से बाहर आएंगे। खिजर वक्त अस खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरूं, कारवां इस वादिये दूरो दराज से चलेगा। ये वादिये दूरो दराज कौन सी है? वादिये सिंध। वादिये सिंध का तसव्वुर पता नहीं आपको क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि वादिये सिंध, ये सारे ट्रिब्यूट्स जो आ रहे हैं जो वादी इस दरियाए सिंध में मिल रहे हैं, जैसे एक दरख्त होता है और उसकी शाखें हैं, वो तो दरख्त के तने से निकली हैं। एक ये कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटे छोटे दरिया होते हैं, वो मिलते हैं तो एक बड़ा दरिया बनता है। ये ट्रिब्यूटरीज मशरिक से भी आ रही हैं सिंध में और मगरिब से भी आ रही हैं। अफगानिस्तान का जो मशरकी हिस्सा इसी वादी सिंध के अंदर है, और ये मौजूदा पाकिस्तान, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा जो हम छोड़ चुके हैं, हमसे निकल गया दरियाए सतलुज तक, ये उस वादी सिंध का हिस्सा है। कहां आ रहा है सतलुज? सिंध में। और ब्यास तो सतलुज में पहले ही आ गया, रावी आ गया, चिनाब आ गया, जेलम आ गया, सब सिंध में पहुंच गए, मिठनकोट में सब पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? ऊपर से ये दरियाए सवात आ रहा है, ये दरियाए दीर आ रहा है, ये दरिया फला आ रहा है, ये दरिया फला आ रहा है, सब दरियाए काबुल में होकर कहां पहुंचे? सिंध में। ऊपर से दरियाए हुंजा आ रहा है, दरियाए गिलगत आ रहा है, कहां आकर गिरे? सिंध में। फिर ये जो दरिया आ रहे हैं, जो हमारे जो है दरे, दरिया गोमल से चला आ रहा है, टोची चला आ रहा है, कहां जाते? सिंध में। ये पूरी वादी है, ये अफगानिस्तान का मशरक हिस्सा जो पख्तून है, 100% पख्तून, वो दर हकीकत वादी सिंध के अंदर है। ये दो तरफ से वादी सिंध। इकबाल का ये शेर जो है, रात के इकबाल का शेर है ये, उस इकबाल का जिसको इल्हाम होता था। खिजर वक्त अस खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरूं। अब मैंने अब तक तो ये डिस्कस किया है कुरान, हदीस, सुन्नत और एक तर्जुमानुल कुरान के हवाले से। अब आइए आलमी हालात के हवाले से देखें। आलमी हालात से भी मालूम होता है कि एक आलमी रियासत तकदीर मुबरम है। जमाना तेजी के साथ उधर जा रहा है जबकि पूरी दुनिया की एक रियासत होगी, बल्कि बहुत पहले से इसका तकाजा पैदा हो चुका है। दुनिया इतनी छोटी हो गई है, आज आप उसे कहते हैं ग्लोबल विलेज, ये तो गांव के मानी थे। अब को फासला नहीं रहा, अमेरिका में ताजपोशी हो रही है बुश साहब की, उनका मंजर हम बैठे देख रहे हैं, सारा का सारा 12,000 मील दूर बैठे हुए देख रहे हैं। दुनिया क्या है, ये तो एक गांव है, एक शहर है। और एक आलमी रियासत अगर कायम नहीं होती तो दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। लिहाजा दुनिया में अमन के लिए एक आलमी रियासत जरूरी है, और उसी के पहले कदम के तौर पर वो लीग ऑफ नेशंस जो है कायम की गई थी। कोई तो इदारा ऐसा होना चाहिए जहां दुनिया के सारे ममालिक के नुमाइंदे बैठे, सोचें, गौर करें, फैसले करें, अगरचे वो जो
بے ایمانیاں دلوں میں تھیں، جو بدنیتیں دلوں میں تھیں، انہوں نے ناکام کر دیا اس کو، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن نے، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہے. اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب کے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی ہے. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت کو. کیا رہ گیا اس کا وجود؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو، اللہ اللہ خیر سلام. جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیا جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے، تو فائدہ کیا ہوا بھائی؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر نہ ہو، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہو، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں فیل ہو جائے گا.